أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम आज लाहौर की अजीम तारीखी मस्जिद जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान में इस अजीम शान महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हासिल है। नात खानी का ईमान अफरोज और रूह परवर मंजर अभी हमारी आंखों के सामने था और आका अलैहिस्सलाम की नात के बड़े वज्द अंगेज कलिमात हमारे कान सुन रहे थे। इस अजीम शान महफिल के इनेकाद और एहतमाम पर अंदरून शहर की तंजीम और जामे मस्जिद वज़ीर ख़ान की उमूर मजहबी की कमेटी और उसके जुमला अरकान और इस इलाके के बासियों को जो इसके इंतज़ाम व इंसराम में पेश पेश हैं सबको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ गो हूँ कि वो ज़ात पाक इस मुबारक काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान मजीद के 18वें पारे से सूरह नूर की दो आयतें 9वें रुकू में से ये सूरत का आखिरी हिस्सा है आयत नंबर 62 और आयत नंबर 63 की तिलावत की। इन दो आयत का मजमून हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू होगा। नफ्से मौजू समझने के लिए चंद तभीदी बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो ये कि इस्लाम की तालीमात की असास और बुनियाद तौहीद है। इस्लाम की जितनी तालीमात हैं उनकी बुनियाद और असास तौहीद है, लेकिन दूसरे इल्हामी मजाहिब के साथ जैसे यहूदियत है, ईसाइयत है या दुनिया में जितने भी मजाहिब मौजूद हैं
और मुख्तलिफ़ उम्मतें और मुख्तलिफ़ इल्हामी किताबों को मानने वाली कौमें जो आबाद हैं उनके मुकाबले में तौहीद इस्लाम का मा बहल इम्तियाज पहलू नहीं है। तौहीद इस्लाम की तालीमात की बुनियाद है, असास है, मगर दूसरे मजाहिब के साथ जब इस्लाम का मुवाजना और मुकाबला करते हैं तो वो पहलू जिससे इस्लाम का इम्तियाज हो, इस्लाम की इनफिरादियत नुमाया हो, वो पहलू इस्लाम की इम्तियाज को उजागर करने वाला तौहीद नहीं, वो रिसालत है। रिसालत है मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि तौहीद पर यहूदियत भी कायम है और आज तक कायम है, और तौहीद पर इब्तिदाई बुनियाद ईसाइयत की भी थी, फिर वो तसलीस में तीन खुदाओं को मानने में पड़ गए और आज ईसाई दुनिया में जू जू इल्म और शऊर उसने तरक्की हासिल की है वो पलट कर फिर तौहीद की तरफ आ रहे हैं। और वक्त आएगा कि तौहीद पूरी दुनिया का मुसल्लमा फलसफा बन जाएगी, सब मजहब इसको मानेंगे। अब भी बेशुमार मजाहिब मानते हैं, जो नहीं मानते वक्त आने के पर इसको मानेंगे। सो इसलिए तौहीद इस्लाम और दूसरे मजाहिब के दरमियान बिनाए इम्तियाज, वो बुनियाद जिससे इम्तियाज और फर्क और इनफिरादियत पैदा हो, वो तौहीद नहीं बल्कि वो रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नुक्ता समझने वाला है। इसलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे हिजरत मदीना से कबल, तो आपने अपनी दावत की इब्तिदा फरमाई तो वो मुआशरा काफिरों और मुशरिकों का मुआशरा था, बुत परस्तों का मुआशरा था, और इस्लाम की बुनियादी और असासी तालीमात उनके सामने रखी जा रही थी। लिहाजा मक्की जिंदगी के 13 बरस में जितना कुरान नाजिल हुआ, जितनी सूरतें और कुरान मजीद की जितनी आयतें नाजिल हुई, उनके बेशतर हिस्से में ज्यादा से ज्यादा जोर तौहीद और आखिरत पर दिया गया। जब कुरान का खिताब काफिरों से था और मुशरिकों से था तो इसका मौजू ज्यादातर क्या था? तौहीद और आखिरत। ये खिताब काफिरों से था, मुशरिकों से था। हिजरत मदीना के बाद जब इस्लाम का अपना मुआशरा कायम हो गया, अपना मुआशरा कायम हो गया और इस्लाम का और कुरान का खिताब मुसलमानों से होने लगा और कुरान के मुखातब मुसलमान हो गए, तो कुरान भेजने वाला रब भी वही, जिस पर नाजिल किया जा रहा है वो रसूल भी वही और किताब कुरान भी वही। जब इसके मुखातब काफिर और मुशरिक थे तो जोर तौहीद और आखिरत पर था, जब कुरान के मुखातब मोमिन हो गए तो कुरान का सारा जोर मदनी सूरतों में रिसालत पर हो गया। मदनी सूरतों में कुरान का सारा जोर रिसालत पर हो गया। ये बात समझाई जा रही थी कि जब उम्मत मुस्लिमा कायम हो जाए
और मुसलमानों का मुआशरा वजूद में आ जाए तो अब उनकी असास और उनका इम्तियाज रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तौहीद की बुनियाद बन गई, तौहीद की बुनियाद कायम हो गई। अब उम्मत मुस्लिमा को अपने ईमान की पहचान करवाई जा रही है, वो रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराती है। ये बुनियादी बात। और आज भी जो बात तवज्जो तलब है वो ये कि पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जितने फितने उठे हैं, ये तीसरा नुक्ता बता रहा हूं, पूरी रुए जमीन पर इस्लाम के खिलाफ जितने फितने उठे हैं और उठ रहे हैं और आइंदा उठेंगे, आलमी सतह का कोई एक फितना भी तौहीद के खिलाफ नहीं, सब फितने रिसालत के खिलाफ। जितने फितने इस्लाम के खिलाफ उठे, खा झूठे दावा नबुवत का फितना हो, मुसैलमा कज़ाब से लेकर कादियानियत तक, मुसैलमा कज़ाब से लेकर कादियानियत और मिर्ज़ाइयत तक, तारीख में जितने फितने झूठे दावा नबुवत के उन्वान से उठे, कोई एक फितना भी तौहीद के खिलाफ न था बल्कि रिसालत के खिलाफ था। लादीनियत का फितना तौहीद के खिलाफ नहीं, रिसालत के खिलाफ। ये जो उम्मत में आजकल लादीनियत का फितना है, सेकुलरिज्म का, वो भी तौहीद के खिलाफ नहीं, रिसालत के खिलाफ। क्योंकि तौहीद फिक्र है, रिसालत उसका निजाम है। तौहीद फिक्र है, रिसालत उसका निजाम है। और आज आलम मगरिब का हमला तौहीद के फिक्र पर नहीं, रिसालत के दिए हुए निजाम पर है। उम्मत को लादीन बनाया जा रहा है, तो लादीनियत का फितना भी रिसालत के खिलाफ। सुन्नत और हदीस के इनकार का फितना भी रिसालत के खिलाफ। अहले कुरान के नाम पर चकड़ालवियत का फितना भी रिसालत के खिलाफ। और मगरिब में जितनी किताबें लिखी जा रही हैं, यहूदी मुसन्निफीन ने लिखी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं एक तालिब इल्म के तौर पर, कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी एक यहूदी की किताब, जिंदगी में एक यहूदी की किताब भी नहीं देखी जिसने तौहीद के खिलाफ जहर उगला हो, जिसने जुबान खोली है रिसालत मुस्तफा के खिलाफ जहर उगला। ईसाई मुसन्निफीन भी ओरिएंटलिस्ट लिख रहे हैं, लंदन से अमेरिका तक लिखा जा रहा है, जो लिख रहा है वो तौहीद के खिलाफ नहीं, हालांकि उनका अकीदा तौहीद पर नहीं, मगर फितना आलम इस्लाम के खिलाफ जो भी उठता है वो अपना डेस्टिनेशन और अपना एम, अपना टारगेट तौहीद को नहीं बनाता, रिसालत मोहम्मदी को बनाता। सलमान रश्दी अगर लिखता है या बोलता है तो वो शान रिसालत के खिलाफ बोलता, शान उलूहियत और शान तौहीद के खिलाफ नहीं बोलता। ये सारी बातें अगर इंसान पूरी दुनिया के अंदर जो मजहबी एतिकादी फितने उठे हैं और उठ रहे हैं उनके तनाजुर में अगर इस्लाम के इम्तियाजी पहलू को देखे, तो क्या वजह है कि आलम कुफ्र अकीदा तौहीद पर हमला आवर नहीं हो रहा, वो अकीदा रिसालत पर हमला आवर हो रहा है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पर हमला आवर हो रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि दुश्मन भी समझता है कि उम्मत मुस्लिमा को अगर मौत से हम किनार करना है तो इनके रब्त रिसालत को काट दो, इनकी नस्बत रिसालत को कमजोर कर दो, इनके जहनों में मरकज रिसालत की निस्बत शकूक और शुबहात पैदा कर दो, इनके अकीदा रिसालत को खराब कर दो,
इनके दिलों से इश्क मोहब्बत रसूल को खत्म कर दो, इनके ईमान से अदब व ताजीम रिसालत माआप को कम कर दो, इनका रिश्ता जो ताजदार गुंबद खजरा के साथ उस है उसे काट दो। अगर नस्बत रिसालत कट गई तो इनकी तौहीद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इनके ईमान का चराग बुझ जाएगा, इनके इस्लाम की मता लुट जाएगी, उम्मत उम्मत न रहेगी जब उसका रिश्ता गुलामी मुस्तफा न रहेगा। इसलिए हर दुश्मन का हमला रिसालत के अकीदे के महाज पर है, अकीदा तौहीद के महाज पर नहीं। जब ये बात समझ में आ गई तो अब इससे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जब दुश्मन का हमला अकीदा रिसालत के महाज पर है तो मुसलमानों के ईमान को बचाने के लिए किस महाज को ज्यादा मजबूत करना चाहिए। जिस महाज पर दुश्मन के हमले न हो रहे हों, कोई उस महाज पर भी ज्यादा फौजें जमा करता है? ये मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान का किरदार समझा रहा हूं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान का पूरा जोर हमारा जीना मरना, शर्क से गर्ब तक हम सफर करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, और दुनिया में रुए जमीन के कोने कोने गोशे गोशे खित्ते खित्ते में एक ही नारा एक ही नगमा एक ही तराना अलापते फिरते हैं कि लोगों मुस्तफा के हो जाओ, लोगों आका के कूचे में आ जाओ, अपना रिश्ता ताजदारे कायनात से उस्तवार कर लो, हुस्न मुस्तफा के दीवाने बन जाओ और अपना तन मन धन सब कुछ दे मुस्तफा के कुर्बान कर दो। ये जो रब्ते रिसालत है, ये जो निस्बत नबुवत है, ये जो गुलामी रसूल है, इसके रिश्ते को मजबूत करने पर हमारा सारा जोर लग रहा है अव्वल से आखिर तक। आखिर क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया का कायदा यह है, जिस महाज पर दुश्मन की नजर ज्यादा हो सारी फौजें उसी महाज पर खड़ी की जाती हैं। दुश्मन का हमला अकीदा रिसालत के महाज पर है, रब्ते रिसालत के महाज पर है। भारत फौजें तो जमा कर रहा हो कश्मीर वाली सरहद पर, और आप फौजें सारी जमा कर दें राजस्थान की सरहद पर, कोई आपको अकलमंद कहे? हमले का खतरा हो वाघा बॉर्डर की तरफ से और सियालकोट के बॉर्डर की तरफ से, और आप टैंक और तोपें और फौजें और सारी ब्रिगेड उठाकर खोखरा पार जाके खड़े कर दें तो फिर पार ही हो जाएंगे ना। हम नहीं चाहते कि पार वाले हो जाएं, पार हो जाए, हम चाहते हैं यार वाले हो जाए। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह रात को हल चला रहे थे अपने खेतों में, हल चला रहे थे और साथ अल्लाह अल्लाह का जिक्र और विर्द कर रहे थे। एक बारात आई, अंधेरी रात थी, वहां एक कस्बा है अहमदपुर से आल। आप थोड़ा इधर हो जाएं, सारे वो लोग जरा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा पीछे, शुक्रिया। एक कस्बा है अहमदपुर से आल, क्या नाम है, उस बारात ने उधर जाना था, वहां दुल्हन का घर था, दूल्हा वाले अपने बिया की तरफ जा रहे, अहमदपुर सियाल जाना, अंधेरी रात थी, रास्ता भूल गए, परेशान हुए, कोई रास्ता बताने वाला न था। उनके कानों में आवाज आई कि कोई अल्लाह का बंदा अंधेरी रात में मस्त अलस्त अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है, आवाज आ रही, उसी की तरफ चल पड़े दो चार आदमी, बारात वाले भी चल पड़े, जाके पूछा भाई ये कोई नेक आदमी है जो अंधेरी रात में इस वक्त अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है, उससे पूछो रास्ता बता दे। बारात जा पहुंची, उन्हें मालूम नहीं कि ये सुल्तान बाहू है रहमतुल्लाह ताला अलैह, जाके पूछा बाबा हमने अहमदपुर सियाल जाना है,
वो रास्ता तो बता दे। उन्होंने फरमाया मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम्हें रास्ता बताता नहीं रास्ता लगाता हूं, लगा देता। बारात पीछे हो गई, हजरत सुल्तान बहू आगे हो पड़े, बस चार कदम चले गुंबद खजरा के सामने खड़ा कर दिया, गुंबद खजरा के सामने खड़ा कर दिया। जब गुंबद खजरा सामने आया तो बारात वालों ने कहा कि ये तो मदीना आ गया बाबा, हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। वो कहने लगे हम तो इसी अहमदपुर को जानते और नहीं जानते, हम तो इसी एक अहमदपुर को जानते, हम तो इसी पिया का घर जानते। बस हज का बहाना है, वेखन सोने का घर, बस हम तो इसी अहमदपुर को जानते। तो मैं बता रहा हूं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान इसी अहमदपुर को जानती है और इसी की राह दिखाती फिरती है और इसी राह पर लोगों को लगाती फिरती है। वजह क्या है, सारा जोर इस पर क्यों है, सारे जोर की वजह बुनियादी ये है जो मैंने आपको समझाया कि जिस महाज पर दुश्मन का हमला ज्यादा हो, जिस पर दुश्मन की निगाहें होती हैं, उस महाज को मजबूत किया जाता है। लिहाजा आज उम्मत मुस्लिमा की ईमान की बका का राज अकीदे रिसालत को मजबूत करने में और उम्मत मुस्लिमा की पहचान और उम्मत मुस्लिमा के तशख्खुस और उसके दीन की हिफाजत का राज रब्त रिसालत और नस्बत नबूवत को मुस्तहकम करने और महफूज करने में है। फिर जब रिसालत की बात होती है तो रिसालत गोया आज हिफाजत दीन का एक ही जरिया है, इसी से अकीदा तौहीद की हिफाजत है। जब रिसालत की बात होती है तो फिर आज जोर सुन्नत पर दिया जाता है। जब बात रिसालत की होती है तो आगे चलते हैं तो फिर जोर सुन्नत पर दिया जाता है। और मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि रिसालत के बाब में लोग सुन्नत पे जोर देते हैं और मैं जब सुन्नत से पूछता हूं कि ऐ सुन्नत तू किस पे जोर देती है, तो सुन्नत मोहब्बत पे जोर देती है। रिसालत में जोर सुन्नत पे दिया जाता है और सुन्नत का जोर मोहब्बत पर है, इसलिए कि सुन्नत का कोई तसव्वुर ही नहीं बगैर मोहब्बत के। बगैर मोहब्बत के सुन्नत का तसव्वुर मुनाफिकत बन जाता और मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ पैरवी सुन्नत बन जाती और बगैर मोहब्बत के तामील मुनाफिकत बन जाती। लिहाजा रिसालत में सुन्नत का मुकाम है और सुन्नत का सारा दारो मदार मोहब्बत पर। इसलिए आज इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग, वही दावत हक है और इस्लाम की वही तबलीग हक है जिसका उन्वान और जिसका मजमून तौहीद बजरिया रिसालत हो, जिसका उन्वान तौहीद बजरिया रिसालत हो, तौहीद बवास्ता रिसालत हो और जिस तबलीग का जोर बिला वास्ता तौहीद बिला वास्ता रिसालत पर हो, वो तबलीग नहीं वो तखरीब है, वो फितना है, वो शर है, उससे इस्लाम की बुनियादें मजीद खोखली हो जाएंगी। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि अकीदा रिसालत की अहमियत और अकीदा रिसालत में मोहब्बत और अदब की अहमियत और उसमें आका अलैहिस्सलाम की निस्बत और रब्त की अहमियत को इतना उजागर किया जाए कि उम्मत मुस्लिमा के हर हर फर्द का वजूद अदब इश्क और मोहब्बत के रिश्ते के साथ बार गहरी सालत के साथ मरबूत हो जाए।
قرآن مجید کی جو دو آیات کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ان میں اسی تصور کو واضح کیا گیا ہے. اس بیان میں اور اس باب میں ان آیتوں پر آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا, نہ یہ آیتیں واعظ میں کبھی بیان کی گئیں کبھی, نہ کبھی تقریروں میں بیان کی گئیں, نہ کبھی لکھنے میں اس کا بیان اس باب میں آیا. یہ بڑی اچھوتی جگہ ہے قرآن مجید کی جس پہ توجہ کم کی گئی, اور اس نے عقیدہ رسالت اور اہمیت رسالت اور محبت و ادب رسالت اور مرکزیت رسالت کو اتنا اجاگر کیا کہ ایمان کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے یہاں مومن کی تعریف کی ہے اور کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ, اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کسی اجتماعی کام کے لیے یا کسی ایسے کام پر جسے مل جل کر کرنا ہو یا کسی کام کے لیے انہیں بلاتے اور جمع کرتے, جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلاتے اور کسی کام کے لیے جمع فرماتے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں لم یذہبوا, جو حضور کے بلاوے پر آ جاتے ہیں اور آ کر حضور کی بارگاہ سے جاتے نہیں ہیں. حتی یستاذنو, یہاں تک کہ حضور سے اجازت نہ لے لیں. جو حضور سے, قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں, جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر نہ جائیں وہ مومن ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کا فلسفہ کیا بیان کیا اور ایمان کی حقیقت کیا بیان کی ہے. لم یذہبوا, ہرگز ہرگز نہیں جاتے حضور کی بارگاہ سے. حتی یستاذنوہ, یہاں تک کہ وہ حضور سے اذن نہ لے لیں. اگر حبیب اجازت نہ دیں تو وہ ہرگز حضور کی بارگاہ سے نہیں جاتے. پھر دہرایا, فرمایا ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ جو لوگ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر اس بارگاہ سے قدم بھی باہر نہ رکھیں, اور اگر اس بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے اور کسی ضروری سے ضروری کام کے لیے بھی اٹھ کر جانا ہو تو مصطفیٰ کی اجازت سے جائیں. جن کا آنا جن کا جانا فقط اجازت مصطفیٰ سے ہے. فرمایا فقط وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے. نعرہ تکبیر, ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور مومن کی تعریف کرتے ہوئے دو باتیں بیان کر دی. ایک تو وہ کہ مومن وہ ہے کہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں, جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں, وہ مومن ہے. پھر فرمایا, یہ ایک انداز تھا, پھر اس کو ایجابی مثبت طریقے سے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ محبوب جنہیں جانا ہو وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں, جو آپ کی اجازت سے اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں فقط وہ مومن ہیں. اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسی کو کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے نا, مرگ ہو گئی, کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی, گھر میں تکلیف ہو گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اشد ضروری کام آ گیا, وعدہ نبھانا پڑ گیا. فرمایا لبعض شانہم, ان کا کوئی اپنا ضروری کام بھی آ سکتا ہے. تو فرمایا میرے محبوب جب وہ آپ سے اپنے کسی
जरूरी काम की खातिर इजाजत ले जाने की रुख्सत चाहें। तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जरूरी काम के लिए जब इजाजत लें तो इजाजत दे दिया करें, यह नहीं फरमाया। अल्लाह, अब अल्लाह की बारगाह में मुकाम रिसालत क्या है? पहले मोमिन के लिए कहा कि मोमिन वो हैं कि जो मेरे महबूब की इजाजत के बगैर एक कदम भी ना उठा के बाहर जाए, और फरमाया जब किसी जरूरी काम और मजबूरी के लिए वो आपसे इजाजत चाहें तो कायदा तो यही बनता है ना, वो कुरान में अल्लाह पाक फरमाए महबूब जब कोई उन्हें मजबूरी हो, अब उन पर तो हमने पाबंदी लगा दी ना कि मेरे महबूब की इजाजत के बगैर तुम जा ही नहीं सकते, जो जाएगा वो मोमिन ही नहीं, जो जाएगा वो ईमान से ही जाएगा, पाबंदी लग गई। अब कायदा तो यही बनता था ना कि अब साथ ये फरमाया जाए महबूब जब आपकी इजाजत के पाबंद हो ही गए, अब किसी मजबूरी में इजाजत मांगे तो इजाजत दे दिया करें, यही बनता है ना ज़ाब्ता। मगर देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान कहता है फ़ैज़स्ताज़नूनका लिबाद शानहिम, फ़ैज़स्ताज़नूका जब वो आपसे किसी जरूरी काम और मजबूरी की खातिर इज़्न तलब करें, इजाजत मांगे तो क्या, फ़ाज़न लिमन शेता मिनहुम, अब महबूब मुख्तार तू है, जिसके लिए चाहे इजाजत दे, जिसको चाहे न दे। ये नहीं फरमाया कि जब इजाजत मांगे तो इजाजत दे दिया कर, तरीका यही बनता है ना जाहिरन, कोई और होता तो यही हुक्म होता, मूसा अलैहिस्सलाम होते तो यही फरमाया जाता, हजरत ईसा होते यही फरमाया जाता, हजरत इब्राहिम होते, हजरत दाऊद होते, हजरत इस्माइल होते, हजरत नूह होते, हजरत आदम, कोई पैगंबर होता तो बात ही यही बनती थी कि जब पैगंबर आपकी इजाजत उन पर लाजिम कर दी कि आपकी इजाजत के बगैर जाना ईमान से जाना है, अब आपकी इजाजत के बगैर मोमिन जा ही नहीं सकता, तो उसके बाद यही बात कही जाती कि जब आपसे इजाजत मांगे तो दे दिया करें। मगर ये बारगह मुस्तफा है, यहां यूं बात न की, फरमाया जब आपसे इजाजत चाहें, अब आगे अल्लाह ने फरमाना था ना, वो जब आपसे इजाजत मांगे, अब आगे अल्लाह ने फरमाना था ना, अमर देना था, इंस्ट्रक्शन हिदायत देनी थी कि महबूब इजाजत दे दिया करें, नहीं यहां फरमाया जब इजाजत मांगे, आगे फाजन लिमन शिता मिनहुम, आगे आपकी मर्जी, महबूब मालिक व मुख्तार तुम्हें बना दिया, गोया इनकी मर्जियों का मालिक भी आपको बना दिया, इनकी मजबूरियों पर मालिक भी आपको बना दिया, इनकी रुख्सत पर मालिक भी आपको बना दिया, इनके इज्न और इजाजत का मालिक भी आपको बना दिया, इनकी जान और माल का मालिक भी आपको बना दिया, इनकी फुर्सत हयात का मालिक भी आपको बना दिया, इनके मशागिल हयात का मालिक भी आपकी बना दिया, इनकी जिंदगी की तरजीहात का मालिक भी आपको बना दिया, जाएं या ना जाएं इस अमर का मालिक भी आपको बना दिया। फाज़न लिमन शेता मिनहुम, जिसके लिए महबूब आपका जी चाहे इजाजत दें, जी ना चाहे इजाजत ना दें। ये मुकाम रिसालत है, मुकाम तो गोया अब हुक्म ये बना रिसालत की बारगाह से, बारगाह रिसालत से मोमिन का ताल्लुक ये बना कि इजाजत के बगैर गए तो मोमिन न रहे, इजाजत के बगैर गए तो मोमिन न रहे, इजाजत मांगो, जब इजाजत मांगी तो अब मालिक की मर्जी, लिमन शिता मिनहुम, जिसके लिए आपकी मर्जी इजाजत दें, मर्जी न दें, तो जो मर्जी से जो चाहे करे उसे क्या कहते हैं, उसी को मालिक कहते हैं। ये कहा जाता है ना आमतौर पे कि बस नबियों की या हुजूर की क्या मर्जी या क्या मिल्क और क्या अख्तियार, कुरान कहता है लिमन शिता मिनहुम, आपकी मर्जी, जिसे चाहें रुख्सत दे दें, जिसे चाहें न दें। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा,
کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا, کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب میں نے اجازت دی یا تو نے اجازت دی, ایک ہی بات ہے نا. لمن شئت منہم, محبوب جس کو چاہے آپ کی طبیعت اجازت دے دے, جس کو نہ چاہے اجازت نہیں. تو فرمایا اب اجازت مانگو, اجازت مانگی پھر حضور کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے لیے طبیعت نے چاہا اجازت دے دی, چلو اجازت ہے بھائی جاؤ. اب آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ادب رسالت کی آخری ایک حد ہے. ویسے تو حد کوئی نہیں, مگر یہاں اس حکم کی جو حد مقرر کی, اجازت مانگی کہ آقا کوئی مجبوری ہو گئی, اجازت ہو تو میں بارگاہ سے جاؤں, اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی, اور وہ آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کی مجلس سے گیا, آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کے دربار سے گیا. اس پر قرآن نے کیا کہا؟ واستغفر لهم اللہ. محبوب گیا تو آپ کی اجازت سے ہے, پر ممکن ہے میں اتنی بات پر بھی گرفت نہ کر لوں. اب اجازت بھی دے اور ساتھ اس کی بخشش کی سفارش بھی کر. میرے محبوب اجازت بھی دے دیں, واستغفر لهم, کون سا گناہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بات سمجھنے والی, اس نے گناہ کون سا کیا؟ آقا نے بلایا, وہ حاضر ہو گیا, بارگاہ میں بیٹھ گیا, اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں. جب جانے کی ضرورت آئی تو آقا کو عرض کیا, اور لمن شئت منہم, حضور نے جب چاہا, جب طبیعت مانی حضور نے اجازت دے دی. تو جب حضور کی اجازت سے گیا تو گناہ کون سا تھا؟ تھا کوئی گناہ؟ مگر چونکہ دربار مصطفیٰ سے جا رہا تھا اور اجازت سے جا رہا تھا, اس کے لیے بھی فرمایا واستغفر لهم اللہ. محبوب پھر ان کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کر دیں, سفارش بھی کر دیں, کہ یوں بھی کہہ دیں مولا میں نے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی اور اس کو معاف بھی کر دینا, اس کو معاف بھی کر دینا. ان اللہ غفور الرحیم. محبوب جب آپ سفارش کر دیں گے تب خدا بخشنے والا ہے, رحمت فرمانے والا ہے. یہ بارگاہ رسالت کے ساتھ امت کا ربط قائم کیا جا رہا ہے, امت کا اتنا مضبوط ربط کہ حضور کی بارگاہ سے وہ ربط ہو کہ امتی کے اپنے بس میں کچھ رہے ہی نہیں. جان کا مالک بھی حضور, مال کا مالک بھی حضور, ایمان کے مالک بھی حضور, دن رات کے مالک بھی حضور, فرصت حیات کے مالک بھی حضور, جانے کے مالک بھی حضور, آنے کے مالک بھی حضور, اٹھا دینے کے مالک بھی حضور, بٹھا دینے کے مالک بھی حضور. جب لمن شئت منہم, حضور کی مرضی, جب امتی کے ظاہر و باطن اور جینے مرنے پر کلیتن حاوی ہو جاتی ہے, تو اس کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں, تب وہ ایمان بنتا ہے. اور اس کیفیت اور اس تعلق کو رکھنے والا شخص اللہ کے حضور مومن کہلاتا ہے. جب یہ بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر آ جاؤ اور پھر واپس پلٹ کر نہ جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دیں, اور اجازت بھی دیں تو جاتے ہوئے بخششیں لو. اب اس پر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے, لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول. کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آقا کے بلاوے کی اتنی اہمیت اور آقا کی اجازت کی, آپ کے بلانے کی اتنی اہمیت. اب قرآن مجید نے, اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا, فرمایا ہاں تمہیں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا. لوگوں سنو, تم میرے محبوب, میرے حبیب اور میرے اس برگزیدہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ سمجھو. میرا محبوب جب جس کو بلائے
या दो माना है। पहला माना ये बयान करता हूं, मेरे महबूब का बुलाना दुआर रसूल, मेरा महबूब जब तुम्हें बुलाए, एक माना, तो मेरे महबूब के बुलावे को, आपस में जब तुम एक दूसरे को बुलाते हो तो अपने बुलावे की मिसल न समझो। ला तजअलू दुआर रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, मुस्तफा के मेरे हबीब के बुलावे को अपने बुलावे जैसा न समझो। तो कुरान मजीद पर हमने गौर नहीं किया और मुकाम रिसालत को समझने की कोशिश नहीं की और अदब बारगह रिसालत की मारिफत हमें नसीब नहीं हुई। वो खुदा की जात जो अपने रसूल के बुलावे को हमारे बुलावे की मिसल गवारा नहीं करता, जिस रसूल का बुलावा हमारे बुलावे जैसा नहीं, वो रसूल हमारे जैसा, जिसका बुलावा किसी जैसा नहीं, जिसका बुलावा किसी बुलावे जैसा नहीं, वो खुद किसी जैसा कैसे हो गया, जिसकी बारगाह किसी बारगाह जैसी नहीं, जिसका पुकारना किसी पुकारना जैसा नहीं, जिसकी इजाजत किसी इजाजत जैसी नहीं, जिस बारगाह की रुखसत किसी रुखसत जैसी नहीं, जिस बारगाह में बैठना कहीं बैठने जैसा नहीं, अरे जिसके साथ निस्बत किसी निस्बत में जैसी नहीं, वो हस्ती खुद किसी हस्ती जैसे कैसे हो गई। और ये बात कुरान मजीद ने क्यों फरमाई, जरूरत क्यों पेश आई कुरान को ये बात कहने की, इसलिए कि अल्लाह पाक इंसानी नफ्सियात से आगाह है और अल्लाह से बढ़कर अपनी मखलूक को और कौन जानता है, अल्लाह से बढ़कर अपने बंदों को, लोगों को जिसने पैदा किया है, उनकी फितरत को, जहनीयत को, उनकी सोच को और कौन जानता है। ये क्यों फरमाया, अगर ये सोच कि कोई रसूल के बुलावे को दूसरों के बुलावे जैसा समझेगा और कोई मेरे रसूल को अपने जैसा समझेगा, अगर ये मसलियत का फितना खुदा की बारगाह में एक फितना एक गुमराही न थी, तो अल्लाह पाक को और कुरान को इस हुक्म के यहां लाने की जरूरत क्यों पेश आई। ये जो हुक्म लाया गया इसलिए कि अल्लाह को मालूम है कि यह फितना सर उठाता है, मसलियत का फितना। क्या मसलियत का फितना? एक जैसे होने का फितना, हमारा जैसा ख्याल करने का फितना। तो अल्लाह पाक ने इस फितने की जड़ काट दी कहकर कि रसूल का बुलावा भी तुम्हारे बुलावे जैसा नहीं, रसूल की शान तो अलग है। इसलिए कोई और बुलाए आपकी मर्जी जाए या ना जाए, जाए जरूरी काम आ जाए चुपके से आ जाए, इजाजत भी लेके आए तो वो बख्शिश की मांगने की भी जरूरत नहीं। ये ना इबादत है ना कोई गुनाह है, मगर रसूल की बारगाह में जाना भी इबादत, रसूल के दरबार में बैठना भी इबादत, उस बारगाह की हाजिरी इबादत, और वहां से उठकर वापस आ जाना ये गुनाह है बगैर इजाजत के आना, और इजाजत से भी आओ तो मुस्तफा से बख्शिश की खैरात मांगो। कि हुजूर इजाजत भी अता फरमा रहे हैं, बख्शवा भी देना, कहीं गिरफ्त ना हो जाए। तो फरमाया कि मेरे रसूल के बुलाने को अपने बुलाने जैसा न समझो, ये एक माना है अगर हुजूर बुलाएं। दूसरा माना है रसूल को बुलाना, ये पहला माना था रसूल का बुलाना। क्या? कि रसूल का बुलाना अपने बुलाने जैसा न समझो। अब इसका दूसरा माना है कि रसूल की बारगाह में पुकारना, हुजूर को बुलाना। तो फिर फरमाया कि अगर तुम मेरे रसूल को बुलाओ, आवाज दो, पुकारो, तो खबरदार अदब गाहेस्त जेर आसमां अज अर्श नाजुक थर नफस गुम कर दमी आयत चुने दो बायजीदी जा। बेतकल्लुफी से मत बुलाना, बेअदबी हो जाएगी। जैसे आपस में एक दूसरे को बुला लेते हो ना, खबरदार मेरे महबूब को बेतकल्लुफ होके न बुलाना,
उनको बुलाना आप जैसे लोगों को एक दूसरे के बुलाने जैसा नहीं। क्यों? आगे मैं बात समझाता हूं आप, वो बात आगे आएगा कि रसूल को बुलाना, आवाज देना, रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा नहीं और रसूल खुदा जैसा भी नहीं, ये अकीदा है। रसूल खुदा नहीं और रसूल खुदा जैसा भी नहीं, जो ये अकीदा रखे वो काफिर है। जो रसूल को खुदा समझे या माजल्ला खुदा जैसा समझे वो काफिर है। मगर नुक्ता समझाया जा रहा है कि न रसूल खुदा है न खुदा जैसा है, मगर रसूल को बुलाना ऐसे ही है जैसे खुदा को बुलाना। रसूल को बुलाना अदब में ऐसा है जैसे खुदा को बुलाना, क्योंकि यहां अदब की निस्बत हो रही है। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं, कद यालमुल्लाहुल्लदीना यतसल्ललून मिनकुम लिवादा। लोग आते, मुनाफिक आते, बेअदब आते, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठते, आपके दरबार में, बारगाह में बैठते, और जिस मुनाफिकों का वतीरा ये था कि वो अदब न करते, मुनाफिकों का वतीरा ये था कि वो अदब न करते बारगाह रिसालत का, आके बैठते, जब जाने को जी चाहता छुप के एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे की ओट में छुप के उठ के चले जाते, खिसक जाते। मुनाफिक ये काम करते, मजलिस में बैठ जाते, जब जाने को जी करता तो एक दूसरे की ओट में छुप के निकल जाते, खिसक जाते। ये मुनाफिकों का अमल था। कुर्बान जाएं मौला की मोहब्बतों पर और महबूब के साथ उसकी मोहब्बत की लताफतों पर, वो खिसक जाते। अब उनके इस अमल पर कुरान कहता, अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह जानता है उन लोगों को, अल्लाह देखता, कद यालमुल्लाह, अल्लाह जान रहा है, देख रहा है उनको। फरमाया जो लोग चुप करके आंख बचाकर मेरे महबूब की मजलिस से खिसक जाते हैं ना, खबरदार मैं तुम्हें देख रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, क्या अल्लाह की शान और बातें कैसी, अल्लाह की शान। मुनाफिक किस बारगाह से खिसक रहे हैं? बारगाहे मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहि सलाम देखते थे कि नहीं, सामने मजलिस में कोई खिसक के जाए, उठ के चला जाए तो बैठे हुए को नजर नहीं आता, तो आका अलैहि सलाम भी देखते थे कि वो खिसक गया, इजाजत के बगैर चला गया। मगर ये नहीं फरमाया, ये बात तवज्जो तलब है कि जो खिसक के आंख बचा के निकल जाते हैं मेरा रसूल उनको जानता है, या मेरा रसूल देखता है कि ये खिसक के जा रहा है, इजाजत के बगैर छुप के उठ के जा रहा है। चाहिए तो ये था ना कि कहा जाता कि रसूल जिससे आंख चुरा के जा रहे हो वो तुम्हें सामने बैठे हैं देखते हैं, मगर नहीं। जब ये बात आई तो आका के मुकाम को उजागर करने के लिए महबूब का नाम न लिया, अपना नाम लिया। फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह से आंख चुरा के निकलता है मैं उसको देख रहा हूं। गोया वो मेरे महबूब की मजलिस की चोरी नहीं कर रहा, वो मेरी मजलिस की चोरी, अल्लाह जानता है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, बस वो लोग जो मेरे महबूब की बारगाह में भी अदबी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिन्हें अदब रिसालत मआब का लिहाज नहीं और हुजूर अलैहिस्सलाम के अमर की मुखालिफत कर रहे और बेअदबी कर रहे हैं, फरमाया खबरदार वो डरें, क्योंकि वो अमर इलाही की मुखालिफत कर रहे हैं, वो अदब इलाही को पामाल कर रहे हैं, वो इस बेअदबी से डरें। अन तुसीबहुम फितना, कि मेरे महबूब की बेअदबी करने से कहीं दुनिया में उन पर मुसीबत और आफतें ना आ जाएं। और इस उम्मत पर आ गई, उम्मत पर कहीं मुसीबत ना आ जाए, दुनिया में आफात की जद में ना आ जाए, दुनिया के अजाब की जद में ना आ जाए। ओ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या आखरत के दर्दनाक अजाब की लपेट में ना आ जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी और आका अलैहिस्सलाम के बुलावे पर लब्बैक कहना और हुजूर की मजलिस में बैठना, इस अदब को अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह का अदब करार दिया।
और इन हुकूक को अपने अदब के हुकूक से ताबीर फरमाया। इसलिए कहा, तुम मेरे महबूब की बारगाह से चोरी उठ के नहीं जा रहे, मेरी निगाहों से चोरी जाना चाहते हो। अब कुरान मजीद ने जब यह फरमाया कि खबरदार, मेरे महबूब के बुलावे को आम बुलावों जैसा बुलावा न समझना, मना किया। जो समझता है वो मोमिन नहीं। अब इस बुलावे की जो मैंने अर्ज किया, क्योंकि ये बुलावा कानों से सुनने में तो मुस्तफा का बुलावा है और खुदा की निगाह में हकीकत में खुद खुदा का बुलावा है। कान जो सुन रहे हैं और आंखें जो देख रही हैं और नादानों की अकलें जो समझ रही हैं, वो जाहिर में मुस्तफा का बुलावा है, बातिन में खुद खुदा का बुलावा है। इसलिए बारगहे रिसालत का अदब जाहिर में अदब रिसालत है, हकीकत में अदब तौहीद है। जाहिर में अदब मुस्तफा है, बातिन में अदब खुदा है। इसको कुरान मजीद बयान करता है। इसी सूरत में थोड़ा पीछे छठे और सातवें रुकू के अंदर आयत नंबर 48 से इसी मजमून को कुरान बयान करता है। फरमाया, वइज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। मोमिनों की पहचान और मुनाफिकों की पहचान समझाई जा रही है कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, ईमान वाला कौन है और बेईमान कौन है। कुरान फर्क समझा रहा है। फरमाया, वइज़ा दुऊ, जब उन्हें बुलावा दिया जाता है, बुलाया जाता है, किधर? इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। और याद रख लें, इन आयतों का सियाक व सबाक बताता है कि मुराद सिर्फ हुजूर का बुलाना था और हुजूर की मजलिस की तरफ बुलाना था और बारगाह मुस्तफा की तरफ बुलाना था। बुलाया हकीकत में उन्हें बारगाह मुस्तफा की तरफ जाता कि आओ रसूल की तरफ आओ, मगर अल्लाह ने हुजूर की तरफ बुलाया जाना, इसको ताबीर किस शय से किया? दू इल्लाह व रसूल ही, कि जब उन्हें खुदाओ मुस्तफा की तरफ बुलाया जाता। क्यों? लियहकुम बैनहुम। फरमाया, जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, आगे ये लफ्ज तवज्जो तलब है, ताकि वो उनके झगड़ों का फैसला कर दे। बुलाया दो की तरफ जाता है, जब उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है और रसूल की तरफ बुलाया जाता है, तो अब चाहिए ये था कि कहा जाता कि वो फैसला कर दें। लियहकुमा बैनहुम, जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल उनका फैसला कर दें। जब दो की बात हो तो सीखा तस्निया का लाते हैं, कर दें। लियहकुमा बैनहुम चाहिए था, मगर फरमाया दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, बुलाया खुदा और मुस्तफा की तरफ जाता है, बुलावा दो जातों की तरफ है, मगर सीगा वाहिद का मुजारे में इस्तेमाल करके कहा लियहकुमा बैनहुम, ताकि रसूल उनका फैसला कर दे। तो जब रसूल ने फैसला करना था तो बात सीधी सीधी की जाती, यूं कहा जाता कि जब उन्हें रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि रसूल उनका फैसला कर दे। जब फैसला रसूल ने करना था तो चाहिए यह था कि कहा भी यह जाता कि जब उन्हें रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि रसूल फैसला कर दे, फैसला भी रसूल ने किया, बुलाया भी रसूल की तरफ गया, मगर उन्मान कुरान ने यह लगाया कि यह बुलावा फकत मुस्तफा की तरफ नहीं, खुदा और मुस्तफा की तरफ बुलावा है, ताकि लोगों समझ लो मुस्तफा की तरफ जाना ही खुदा की तरफ जाना है। खुदा और मुस्तफा के रस्ते जुदा करने वाले और खुदा और मुस्तफा के दर जुदा समझने वाले, खुदा और मुस्तफा के घर जुदा समझने वाले, खुदा और मुस्तफा का अदब जुदा समझने वाले, खुदा और मुस्तफा की हुरमत जुदा समझने वाले, खुदा और मुस्तफा का हक
जुदा समझने वाले और खुदा मुस्तफा की निस्बत और रब जुदा समझने वाले, पूरी तवज्जो से समझ ले कि बुलाया मुस्तफा की तरफ गया था, फैसला मुस्तफा ने करना था, मगर अल्लाह को यह गवारा ना हुआ कि उसके हबीब का नाम अकेला लिया जाए। जहां खुदा की बात थी कुरान गवाह है, जहां खुदा की अपनी बात थी बुलावे में वहां मुस्तफा का नाम मिला लिया, जहां मुस्तफा की तनहा बात थी वहां खुदा ने अपना नाम मिला लिया, ताकि लोग न खुदा से मुस्तफा के नाम को जुदा कर सके न मुस्तफा से खुदा के नाम को जुदा कर सके। और ये बात वाजे कर दी कि रसूल की तरफ बुलाया गया, रसूल ने फैसला किया, मगर अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें खुदा और रसूल की तरफ बुलाया गया, तो गया रसूल की तरफ जाना ही खुदा की तरफ जाना। ये बात समझने वाली है, रसूल की तरफ जाना ही और रसूल को पुकारना ही खुदा को पुकारना है। और क्या लिया हुकुमा, ताकि उनकी मुश्किल हल हो जाए, उकदा हल हो जाए, झगड़ा मिट जाए, तो गोया मुराद लेकर दरे मुस्तफा पर जाना ही खुदा से मुराद मांगना है, हुजूर की बारगाह में झोली फैलाना ही खुदा की बारगाह में झोली फैलाना है। और मैं तो ये कहूंगा लोगों सुन लो कि मुस्तफा का हो जाना ही खुदा का हो जाना। दरे किस तरह मुस्तफा खुदा का यही है दर, बखुदा आला हजरत ने फरमाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। अब कुरान कहता है यहां मुनाफिकों की पहचान है, यहां जब उन्हें खुदा और मुस्तफा की तरफ बुलाया जाता है ताकि मुस्तफा फैसला कर दे। कोई कह सकता है ना आके बुलाया, आओ अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहे हैं, तो कोई कह सकता है ना आकर कहें भी ये तो सिर्फ रसूल बैठा है, खुदा कहां है, हमें तो ये कह के बुलाया गया था कि खुदा और खुदा के रसूल की तरफ आओ, तो खुदा का रसूल तो मौजूद है, खुदा कहां है, और रसूल खुदा भी नहीं है, तो बात कैसे समझ में आएगी। तो बात यूं समझ में आएगी, उसे कहा जाएगा नादान ये जो रसूल की तरफ आ गए हो बस ये खुदा की तरफ आ गए, रसूल खुदा तो नहीं है पर रसूल की तरफ आना ही खुदा की तरफ आना है, ये है अकीदा रिसालत, इस पर हमले हो रहे हैं, इस अकीदे को समझने की और मजबूत करने की जरूरत है। कुरान कहता है कि मुनाफिक कौन है, इज़ा फरीकुम मिन्हुम मुअरिदून, जब इस तरह बुलाया जाता है मेरे महबूब की बारगाह की तरफ और अल्लाह की तरफ, तो फिर एक तबका एक गरोह ऐसा है कि हुजूर की बारगाह में जाने से कतरा जाते हैं, हुजूर की बारगाह में जाने से कतरा जाते हैं, एक तबका ऐसा है। और यहां कुरान मजीद ने कहा ये मुनाफिकों की पहचान, यहां कुरान ने सूरह निसा में फरमाया वइज़ा क़ील लहुम तआलो इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रईतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, जब उन्हें कहा जाता है कि आ जाओ अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, आ जाओ अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म की तरफ और रसूल की तरफ, रईत अल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा, पर मैं आप देखेंगे कि मुनाफिकों की पहचान यह है कि वो खुदा की तरफ जाने से नहीं घबराते, वो रसूल के दर की तरफ जाने से कतराते, यसुद्दून अनका सुदूदा, आपसे गर्दन फेरते। और खुदा और रसूल की तरफ आना और रसूल का फैसला करना खुदा का फैसला, इसको सूरह तौबा में यूं भी बयान किया वल्लाहु व रसूलुहु हक अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, और अल्लाह और उसका रसूल हकदार है कि उसे राजी किया जाए, अल्लाह और उसका रसूल हकदार
है। बात दो की, अल्लाह और उसका रसूल हकदार है। अब यूं चाहिए था ना कि कहा जाता अन युर्दू हो मा, कि उन्हें राजी किया जाए कि अल्लाह और उसका रसूल हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए, मगर कुरान ने यूं नहीं कहा उन्हें राजी किया जाए, तो दो बन जाते ना। फरमाया नहीं, अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, मगर रजा खुदा मुस्तफा की है। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल हकदार है कि उसे राजी किया जाए। मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। और अब कुरान मजीद कहता है आयत नंबर 50 में, आपकी तरफ नहीं आते मेरे हबीब, आपकी तरफ नहीं आते, कतराते क्यों? कुरान कहता है कि तीन सबब हैं। कितने सबब हैं? तीन सबब हैं, उनमें से कोई एक होता है। एक तो ये अफी कुलूबिहिम मरदुन, लोगों मेरे मुस्तफा की बारगाह में क्यों नहीं आते, जो मेरे महबूब की बारगाह में नहीं आते क्यों? अफी कुलूब मरदुन, क्या उनके दिलों में मुनाफिकत की बीमारी? अल्लाह फरमा रहा है क्या उनके दिलों में बीमारी? तो जो दरे मुस्तफा पर ना आए तो पहली तशखीस तो यह है कि उसके दिल में मुनाफिकत की बीमारी, यह कुरानी तशखीस। अब दूसरा जुमला, दूसरा लफ्ज फरमाया अमीर ताबू, दूसरा सबब तशखीस दूसरी हो रही, यह बीमारी है मुनाफिकत की या उन्हें नबुवत और रिसालत की मकाम में शक है, इर्तियाब है, अमीर ताबू, या वो शक में पड़े हुए हैं यानी वो साहिब ईमान नहीं हुए, या वो शक में पड़े हुए हैं यानी वो साहिब ईमान नहीं हुए, वो साहिब उनको यकीन नहीं मिला, ईमान नहीं मिला और अभी शक में मुब्तला है, या अम यखाफून अन यहीफ अल्लाह अलैहिम व रसूल। ये नुक्ता फिर बड़ा अहम है। फरमाया हबीब आपकी बारगाह में इसलिए नहीं आते कि उन्हें इस बात का खौफ है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उन पर जुल्म करेगा। अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो मुनाफिक मेरे रसूल की बारगाह में नहीं आते, उनके ना आने का सबब यह है कि उनके जहन में एक खौफ है, इन मुनाफिकों के जहन में एक खौफ है, अपना मुकदमा लेकर बारगाह मुस्तफा में क्यों नहीं आते, अपना झगड़ा लेकर बारगाह रिसालत में क्यों नहीं आते? मेरे हबीब आपके पास फैसला लेने के लिए इसलिए नहीं आते, कुरान कह रहा है कि उनके दिल में खौफ है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उन पर जुल्म करें। अब बात समझने वाली ये कि खौफ तो मुनाफिकों के दिल में था, झूठा खौफ था, मगर खौफ किस चीज का था? खुदा के जुल्म करने का था या रसूल की निस्बत था? कहिए ना, मुकदमा तो ले जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में, जज तो हुजूर है, अदालत हुजूर की है, मुकदमा लेकर आका की बारगाह में जा रहे हैं, फैसला हुजूर ने करना है, यहकुम बैनहुम, फैसला हुजूर ने करना है, तो अल्लाह का जुल्म कहां से आ गया? क्योंकि वो ये कहते थे अगर उनके खिलाफ फैसला होता तो वो कहते हम पर जुल्म हो गया, अगर उनके हक में फैसला होता तो मुनाफिक कहते कि अदल हुआ, और अगर उनके खिलाफ होता तो क्या कहते? जुल्म हुआ, जुल्म हुआ कहते। मगर सवाल यह है कि किसने जुल्म किया? मुनाफिक किस पर यह तोहमत लगाते थे? बोलिए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम पर की जात पाक पर तोहमत लगाते कि रसूल ने माजल्ला जुल्म किया, फैसला जो हुजूर ने किया था। तो बात बड़ी सादा है, तो चाहिए था कि कुरान भी यही कुछ कहता कि मेरे महबूब आपकी बारगाह में फैसला लेने के लिए इसलिए नहीं आते कि वो दिल में डरते हैं कि रसूल हमारे खिलाफ फैसला करके माज अल्लाह हम पर जुल्म करेगा। जुल्म की तोहमत लगनी रसूल पर थी, खुदा ने अपने ऊपर लगा दी। तोहमत लगनी उन बेईमान मुनाफिक लोगों ने, तो मत लगानी किस पर थी? लगानी रसूल पर थी, खुदा ने आगे किसका नाम कर दिया? फरमाया
اب سنیے آیت، ام یخافون، یا یہ خوف رکھتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ ظلم کرے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، تو جو تہمت ان بدبختوں نے، جھوٹی تہمت رسول پر لگانی تھی ظلم کی، اللہ نے آگے اپنا نام کر دیا، کہ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں خوف ہے کہ اللہ ظلم کرے گا اور اس کا رسول بھی کرے گا. تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ظالمو، اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ پر کوئی تہمت لگاؤ تو خبردار، تہمت مصطفیٰ پر نہ ہوگی، تہمت خدا پر ہوگی. اگر مصطفیٰ کو مانو تو مصطفیٰ کا ماننا خدا کا ماننا ہے، اور مصطفیٰ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا خدا کی بے ادبی کرنا ہے، یہاں زبان درازی کرنا خدا کی شان میں زبان درازی کرنا ہے، اس بارگاہ پر تہمت لگانا خدا پر تہمت لگانا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یہ منافقوں کا حال ہے. فرمایا یہ منافق کی پہچان ہے کہ جو رسول کی بارگاہ کو خدا کی بارگاہ نہیں سمجھتا وہ منافق ہے، جو ادب مصطفیٰ کو ادب خدا نہیں سمجھتا وہ منافق ہے، جو دعوت رسول کو دعوت اللہ اور دعوت اللہ نہیں سمجھتا وہ منافق ہے. پر مومن کون ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، فرمایا مومن وہ ہے جو یہ کہے، قربان جائے، مومن وہ ہے جو یہ کہے اذا دعوا الی اللہ و رسولہ لیحکم بینہم، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول فیصلہ فرمائے، تو مومن کون ہے؟ ان یقولوا سمعنا، جو رسول کی بات سنے اور کہیں آقا ہم نے سن لیا، مومن وہ ہے. ان یقولوا سمعنا، بات سنے اور عرض کرے آقا ہم نے سن لیا، واطعنا، اور آقا ہم نے مان لیا، درمیان میں سمجھ لیا اس کو اڑا دیا، یہ اہم بات ہے. نہیں فرمایا سمعنا وفہمنا واطعنا، یا سمعنا وعلمنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور سمجھ لیا اور مان لیا، سمجھ کو درمیان سے نکال دیا، اس لیے کہ جو سمجھ میں پڑا وہ پھسل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ توجہ کریں، سمعنا واطعنا، بھائی تیسرا درمیان کا قدم ہٹا دیا. کیا ہوتا ہے؟ پہلے سننا. آپ بتائیے، آپ میری بات سن رہے ہیں نا جی؟ تو سننے کے فوری بعد ماننا ہو جائے گا کہ درمیان میں کوئی سمجھنا بھی ہے؟ اگر سمجھے ہی نہ تو مانیں گے کیسے؟ دنیا میں کوئی کسی کی بات سمجھے بغیر مانتا ہے؟ ساری رات میں آپ کو سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اگر آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو مانیں گے؟ تو ماننے، سننے کے بعد اور ماننے سے پہلے ایک مقام ہوتا ہے سمجھنا. سمجھ آئے تو انسان مانتا ہے، سمجھ نہ آئے تو نہیں مانتا. ہر ایک کی بات کو ماننے کی شرط سمجھنا ہے، ماننے کی بات شرط سمجھنا ہے. اور مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ سمجھنا نکال دو، سنو اور مان دو. درمیان سے سمجھنا نکال دو، سنو اور مان لو. اگر سمجھ میں پڑے تو گئے، اگر سمجھ میں پڑے تو گئے. اس لیے کہ نادانوں، سمجھ میں تو وہ آئے کہ یا وہ تمہاری سمجھ میں آنے والا ہو یا تمہاری سمجھ اسے پانے والی ہو، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں، تیری پہچان یہی ہے. جو سمجھ آ جائے وہ نہ رہا. سمعنا واطعنا، بس.
فرمایا مومن وہ ہیں, پہلے کیا تھے وہ سمجھ کے چکر میں تھے کہ سمجھو بات ہمارے مطلب کی ہے یا نہیں, سمجھو کیا کہہ رہے ہیں, مانے یا نہ مانے, وہ سمجھ کے آ کر سمجھ پر آ کر رک گئے. سمجھ پر آ کر جس نے سمجھنے کی کوشش کی وہ سجدے کا انکاری ہو گیا. جو سمجھ میں پڑا وہ شیطان ہو گیا. جنہوں نے فقط سنا اور مان گئے گر پڑے وہ فرشتے بن گئے. جو سمجھ میں پڑا وہ اٹک گیا. شیطان کا قصور کیا تھا؟ اور میری پہلی بات بھی یاد رکھیں کہ حملہ فتنوں کا توحید پر نہیں, سب سے پہلا حملہ انسانی تاریخ میں, کائنات انسانی میں سب سے پہلا حملہ جس سے حملہ کرنے والا گمراہ ہو گیا, وہ توحید کے محاذ پر تھا یا رسالت کے محاذ پر؟ بڑی سادہ سی بات, توحید کے محاذ پر شیطان پختہ تھا, چپے چپے پہ سجدہ کرتا تھا, خدا کو ایک مانتا تھا, وحدہ لا شریک مانتا تھا, رب قادر مطلق مانتا تھا. اس کا توحید کا محاذ مضبوط تھا, توحید میں کوئی ڈگمگانا نہ تھا. مگر جب اس روح زمین پر سلسلہ رسالت کا آغاز ہوا اور ادب و تکریم رسالت کا حکم ہوا کہ اے لوگو فرشتو اور اے ابلیس آؤ, میری توحید کے محاذ پر ڈٹے رہنے والو اور میرے حضور سجدہ ریزیاں بجا لانے والو آؤ, میرے سجدے تو کرتے ہو, اب میرے رسول کے ادب کا سلسلہ شروع کرو. یہاں اٹک گیا, یہاں اٹک گیا. الا ابلیس وساجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا. وہ جو سمعنا واطعنا کے پیکر ہوئے, جنہوں نے سنا اور گر گئے اور سنا اور مان گئے, وہ ملائکہ مقربون ہو گئے. اور جس نے سنا پھر سمجھا, جب سمجھ میں پڑا تو وہ سوچنے لگ گیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. بس سمجھ میں گرا, برباد ہو. پھر اللہ پاک نے سمجھ کے مقابلے میں سمجھ کی دلیل نہیں دی, جو سمجھ میں پڑا اسے سمجھایا نہیں, اس کو دلیل نہیں دی. فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, لانتی نکل جا میری بارگاہ سے, تو میرے سامنے سمجھ کی بات کرتا, ادب رسالت کے سامنے سمجھ کی بات کرتا. یہ بار کہے رسالت کا ادب ہے, یہاں تو ایک تقاضا تھا, بس سنو اور مان لو. تم نے سمجھنے کی کوشش کی, تیری سمجھ اتنی تھی ہی نہیں. سمجھ اسے آئے جس کی سمجھ اتنی ہو, جس کی سمجھ اتنی ہو تو وہ سمجھے. اب بار کہے رسالت کے ادب کو کون سمجھے؟ کسی کی سمجھ مقام رسالت سے بلند ہو تو سمجھے, مقام رسالت سے وسیع ہو تو سمجھے, مقام رسالت جیسی سمجھ ہو تو سمجھے. تو نہ کسی کی سمجھ اتنی, اس لیے سمجھ کو درمیان سے نکال دیا. فرمایا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا حبیث, عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. جب بارگاہ رسالت کی بات آئے, عقل کے چراغ بجھا دو, عقل کے چراغ بجھا دو, اپنی اپنی سمجھیں گل کر دو, اپنی سمجھیں گل کر دو. وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, پھر اپنی کوئی سمجھ نہیں, وہی سمجھ جو وہ سمجھا دے, وہی سمجھ جو وہ سمجھا دے, وہ سنو جو وہ سنا دیں, وہی مانو جو وہ منوا دیں,
वही समझो जो वो समझा दें, वही करो जो वो करवा दें, इसका नाम ईमान। मैं वाउलाए कहमुल मुफलिहून, यही कामयाबी वाले। सहाबाए कराम का पैमाना ईमान यही था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया, पूछा कि तुम लोग जब सफर में जाते हो मुसलमान, तो फर्ज की नमाज आधी करते हो, कसर पढ़ते हो। उसने सवाल किया कि कुरान में तो, पूरे कुरान में कसर का तो तरीका ही मौजूद नहीं कि कितने सफर पे पढ़ो और आधी पढ़ो या कितनी पढ़ो या पौन पौन पढ़ो, तिहाई पढ़ो चौथाई पढ़ो, कुरान ने तो कसर की तफसील ही नहीं दी, तो तुम कैसे कसर पढ़ते हो? कुरान में तो है नहीं तफसील, कसर कैसे पढ़ते हो? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो समेना व अताना के पैकर थे, वो समझ गए थे कि समझ को निकाल दिया है, वो समझ गए थे कि समझ को निकाल दिया है। वो जवाब देने लगे, भाई मुझे पता है कुरान में नहीं, मगर हमें फिक्र नहीं, इसलिए इन्नल्लाह बअसा इलैना मुहम्मदन वला नअलमु शैअन व नफअलु कमा रअईनाहु यफअल। फरमाया हमारा ईमान तो ये है कि अल्लाह ने हम में अपना यार भेज दिया, हमारे अंदर अपना महबूब भेज दिया, अपना रसूल भेज दिया। वला नअलमु शैअन, अब इसका तर्जमा, उर्दू के जो तर्जमे लिखने वाले होते हैं ना मुतर्जिम, वो तो ये करते हैं कि बस इसके सिवा हम कुछ ना जानते थे, हम कुछ ना जानते थे, यानी उम्मी थे, कुछ ना जानते थे, कोई इल्म ना रखते थे, अल्लाह ने हमें अपना रसूल हमने भेज दिया। ये तर्जमा गलत है, ये तर्जमा गलत है। वमा अलम ना आका लफ्ज नहीं, ना अलम मुजारे का सीगा है। वो फरमाते हैं अल्लाह ने हम में अपना रसूल भेज दिया, वला नअलमु शैअन, माना ये बस बाबा हम तो इसके सिवा कुछ नहीं जानते, हम तो एक यार को जानते हैं, ये माना है बाबा, वला नअलमु शैअन, हम और कुछ नहीं जानते, हम तो एक सांवल को जानते हैं, हम तो एक रांझुन को जानते हैं, हम तो एक ढोलन को जानते हैं, हम तो एक मिठन को जानते हैं, हम तो एक महबूब को जानते हैं, वला न अलम शैयन, और कुछ नहीं जानते, मसले मसलेत नहीं जानते। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हम इन चक्रों में नहीं पढ़ते, हमें तो इतना पता है कि वो यार उसका आ गया। फिर क्या करते हो? नफअलु कमा रईना हो यफअल, हम तो उसे देखते रहते हैं, जैसे वो करता है वैसे करते जाते हैं, ये हमारा दीन है, हम तो उसे देखते हैं जैसे वो करते जाते हैं हम भी वैसे, जैसे वो करते जाते हैं हम भी उसी तरह करते जाते हैं, बस यही हमारा दीन है। मेरा दीन भी तू, ते ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू, ते आगे कैसे है, ईमान भी तू, मेरा मुसहफ ते कुरान भी तू, मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरा किबला काबा जान भी तू, मस्जिद मंदिर मस्जिद मिंबर मेहराब, बदने क्या क्या कह रहे, बात खत्म ये हुई कि मेरे महबूब मेरा सब कुछ तो, वला नअलमु शैअन, हम तो बस एक को जान लिया और न किसी को जानते हैं, न जानने की जरूरत है। यही दीन है, यही ईमान है। आज दीन और ईमान की हिफाजत का ये रुख चाहिए, मेहनत इस रुख पे होनी चाहिए, लोगों इस निस्बत को मजबूत कर लो, इस मारिफत में पुख्ता हो जाओ, इस ताल्लुक में पुख्ता हो जाओ, इश्क और मोहब्बत के रिश्ते के साथ उस बारगाह से बंध जाओ, और अदब और तकरीम की निस्बत के साथ उनके कदमों से जुड़ जाओ। यही दीन है, यही ईमान है। और जिंदगी के अपने तौर तरीके छोड़ दो, वही तौर तरीके अपना लो जो हुजूर ने दिए हैं,
حضور کی روش کو اپنا لینا دین ہے، حضور کے طرز عمل کو اپنا لینا دین ہے، حضور کے انداز نشست و برخاست کو اپنا لینا دین ہے، حضور کی زندگی، آقا کی سنت، آقا کی سیرت، آقا کی طرز حیات، آقا کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کے پورے نقوش حیات میں ڈھل جانا، اپنی شناخت کو حضور کی شناخت میں مٹا دینا، یہی دین ہے، اور خود کو حضور میں گم کر دینا، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ نسبت نصیب ہو جائے تو ہمارے ایمان کی دولت کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اور ہمارے دین کی متاع کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمارے ایمان کی ہمیں صحیح معرفت دے، ہمیں استحکام دے ایمان اور دین میں، اور حضور علیہ السلام کی محبت و ادب اور آپ کی نسبت و ربط میں ہمیں پختہ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبز گنبد کی ان بہار۔